ये है 500 साल पुराना भैरवनाथ मंदिर, जहां भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर बाबा को मदिरा, सिगरेट, भांग और खीर का भोग लगाते हैं। बरेली में स्थित इस पुराने मंदिर में आप देख सकते हैं कि बाबा को मंदिर के पुजारी मदिरा का भोग लगा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत मंदिर की पूरी कहानी। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा ये जो मंदिर है कितना पुराना है, और यहाँ जो मान्यता है कि भगवान भैरव पर सिगरेट चढ़ाई जाती है और मदिरा चढ़ाई जाती है, उसके बारे में। यह मंदिर 500 वर्ष पुराना है। यह रानी साहब का मंदिर है। रानी साहब जो गुलाम नगर में है, रानी साहब का फाटक, उन्हीं के निजी मंदिर है। और ये भैरव बाबा यहाँ स्वयं प्रकट हुए, 500 वर्ष पुराना। और यहाँ पे बहुत मान्यता है, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं। रविवार के दिन, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन। बरेली के गुलाम नगर में स्थित इस भैरवनाथ मंदिर में भक्त बाबा को मदिरा, सिगरेट, भांग, खीर, लड्डू और हलवा चढ़ाते हैं। मान्यताओं के अनुसार बाबा भैरवनाथ इन भोगों को स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। रविवार को आते हैं प्रसाद चढ़ाने, और प्रसाद में भोग लेके आते हैं, बोलते जाते हैं हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो हम इसका भोग लगाएंगे। तो मदिरा भी चढ़ती है या सिगरेट भी चढ़ती है, बाबा। मंदिर के पुजारी के अनुसार सोमवार, मंगलवार और शनिवार को मांगी जाने वाली मन्नतें विशेष रूप से पूरी होती हैं। इन दिनों में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहां आते हैं और बाबा के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। और इन्हें दही बड़ा का जाते इनके भोग है, गुड़ की भेड़ी, खीर, हलवा, लड्डू, बर्फी, सब चीजें करती है। मंदिर में आने वाले भक्तों का कहना है कि जब वे बाबा को सिगरेट चढ़ाते हैं तो सिगरेट में से धुआं निकलता है, जैसे कि बाबा स्वयं आकर सिगरेट पी रहे हों। इसी तरह मदिरा चढ़ाने पर बाबा भैरवनाथ मदिरा का सेवन करते हुए दिखाई देते हैं। भक्तों का विश्वास है कि उनकी सभी मन्नतें यहाँ पूरी होती हैं। उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मंगल को भी माना जाता है कि 500 वर्ष पहले खुद बाबा भैरव, महादेव, इस मंदिर में प्रकट हुए थे। इस ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना के पीछे कई कहानियां हैं, लेकिन सब में एक बात समान है, भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास। इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी कोई ना कोई मन्नत लेकर आते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी होती है तो वे बाबा को अपनी बोली हुई चीजें चढ़ाते हैं। मंदिर में बाबा को सिगरेट, मदिरा, भांग, खीर, हलवा आदि चीजें भोग के रूप में चढ़ाई जाती हैं। तो दोस्तों, यह थी बरेली के भैरवनाथ मंदिर की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। लोकल 18 के लिए बरेली से विकल्प कुदेसिया की रिपोर्ट।